लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी बीजेपी कार्यालय के सामने हूँ। 23 जून को महागठबंधन की बैठक हो रही है पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवानी में बैठक हो रही है पटना में, जिसमें पूरे देश भर से जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कुछ नेताओं को छोड़कर के, जैसे कि मायावती को छोड़ करके और कुछ नेता हैं जिनको छोड़ करके सारे लोग शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, शरद पवार जी शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी पोस्टर वार में जब महागठबंधन की आप जाएंगे पटना में, जो विपक्षी पार्टी की जो मीटिंग हो रही है, उसमें पूरा पोस्टर वार, पूरा बेली रोड से लेकर सारा जगह आप देखेंगे पोस्टर से सजा हुआ है कल की बैठक के। लेकिन बीजेपी के द्वारा, बीजेपी कार्यालय के सामने उस महागठबंधन का विरोध इस तरह से किया जा रहा है। महागठबंधन का जवाब पोस्टर वार के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, पहली तस्वीर की बात करें तो पहली तस्वीर में सबसे पहला लाइन जो है, तब और अब, तब मतलब पहले की बात जो किया जाए, तो जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ नहीं थे, जब एक बार गठबंधन के बाद दोबारा तोड़े, तो उन्होंने ये साफ साफ बोला कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। अब की बात करें तो जब दोनों साथ में हैं, तो लालू यादव का एक फ़ोटो है, उस फोटो में लालू यादव के गोद में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और उस पर एक कमेंट कसा गया है कि आजा मेरे गोदी में बैठ जा। लोकनायक, दूसरे पोस्टर की बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। कहने का मतलब है कि जो जयप्रकाश बाबू का विचारधारा है, जयप्रकाश बाबू की विचारधारा को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहते हैं, उस विचारधारा के विरोध में है। आप देख सकते हैं, फोटो भी है, जयप्रकाश बाबू का फोटो है, जयप्रकाश बाबू के साथ नीतीश कुमार का भी आप नीचे फोटो देख सकते हैं। और उसका जवाब दिया गया है, न समाजवाद प्यारा, न विचारधारा प्यारी है, तो सिर्फ कुर्सी प्यारी है। तो दूसरे पोस्टर में ये जवाब आप देख सकते हैं, मार्चिंग का, जयप्रकाश बाबू जब उस समय आंदोलन करते थे, तो उस समय का भी फोटो है। अब तीसरे पोस्टर की बात करें तो तीसरे पोस्टर में लोकतंत्र का काला अध्याय, वापस लो, आपातकाल, वापस लो, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव और ऊपर इंदिरा गांधी की शायद फोटो है, इंदिरा गांधी की फोटो है, ये यहाँ पर देखा है। लेकिन इसका जवाब अब में क्या दिया जा रहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अध्याय शुरू कीजिए सर, विपक्षी एकता हम साथ साथ है। तो चलिए अब दूसरे पोस्टर की तरफ चलते हैं। एक पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है, जनता को न रोजी दिया न मकान, लेकिन बाहर से बुला रहे मेहमान, दुल्हन को पता नहीं और दूल्हा दर्जन भर तैयार। कहने का मतलब प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया हुआ है जो गधा का फोटो है, और गधे के ऊपर पीएम 2024 विपक्षी एकता, यानी कि पीएम 2024 को ये लोग देख रहे हैं, एक तरह से कमेंट कर रहे हैं। और बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहने का मतलब कि इन लोग पार्टी के तरफ से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री के लिए किसी का नाम अभी चेहरा नहीं आया है, लेकिन कहने का मतलब है कि दूल्हा है नहीं और ये लोग बारात लेकर के घूम रहे हैं। अब चल रहे हैं पार्टी ऑफिस के दाहिने साइड में भी पोस्टर है, उस पोस्टर पर भी हम चर्चा करते हैं। उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, अभी तो मन ही मन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप में से पीएम का चेहरा कौन होगा, ये यहाँ दिया हुआ है कि, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पब्लिक का फ़ोटो है, पब्लिक पूछ रहा है नीतीश कुमार जी से कि लेकिन आप तो ठीक है, बैठक तो कर रहे हैं कल, लेकिन आप लोग में से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो नीतीश कुमार की तरफ से जवाब आ रहा है, नीतीश कुमार के दाहिने साइड में देखिए विपक्षी एकता जिंदाबाद, सभी के फ़ोटो है, राहुल गांधी के है, अरविंद केजरीवाल का है, शरद पवार जी का है, सोनिया गांधी का है, सभी लोगों का फोटो है। इसमें लिखा हुआ है, अभी तो मन ही मन हम सब हैं लेकिन चुनाव के बाद आपसी सर फुटौल करके तय कर लेंगे। कहने का मतलब है कि मन मन में अपने विचार कर लिए हैं कि प्रधानमंत्री हम सब हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाएंगे, तो चुनाव जीतने के बाद जो है ना, हम लोग अपने आप में सर फुटौल करके तय कर लेंगे कौन होगा प्रधानमंत्री। अब दूसरे पोस्टर की बात करें, सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता, सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों से समझौता, सत्ता के लिए जंगलराज से समझौता, सत्ता के लिए सुशासन से समझौता। देखिए ये हो गया, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, सुशासन कहने का मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू जब साथ थे तो सुशासन थे, उसके लिए जंगलराज कहने का मतलब कि लालू यादव से मिल गए, और भ्रष्टाचारी का मतलब कि लालू यादव से मिल गए, विचारधारा का मतलब कि लालू यादव से मिल गए। आप इसे फोटो देख सकते हैं, न समाजवाद प्यारा, न विचारधारा प्यारी है, तो सिर्फ कुर्सी प्यारी है। नीतीश कुमार पर कुर्सी कुमार का जो ठप्पा लगा हुआ है, इस तरह का ये लोग कमेंट कर रहे थे। ये रहा बीजेपी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है पोस्टर वार के द्वारा कल के महागठबंधन विपक्षी पार्टी का जो कल का बैठक है 23 जून के पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके जवाब में बीजेपी पार्टी ने पोस्टर वार के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।